हेलो एवरीवन, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा हुआ है, ये क्लास 12th के बच्चे अपने फिजिक्स के सिलेबस में पढ़ते हैं। फिजिक्स का ये पहला यूनिट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। आने वाले परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये कॉपी का बैकग्राउंड है, पेपर में जैसे बच्चे लिखते हैं वैसे है। तो इस नॉर्मल पेन पेपर के माध्यम से मैं आपके चैप्टर्स को रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप चैप्टर्स का रिवीजन कर लें। 2025 में जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप अपनी तैयारी की रफ्तार को बढ़ाएँ, और उस प्रिपरेशन के दौर पर, तैयारी के दौर में आपको एक छोटा सा सपोर्ट मिले इस वीडियो के माध्यम से। हमारा मकसद यही है। आप साइंटिफिक सिन्हा चैनल के साथ हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए बिना विलंब किए आप चैप्टर की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हुआ? चार्ज इन रेस्ट। तो फिजिक्स का वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट रेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिजिक्स का वो ब्रांच जो रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ाता है, वैसे चार्ज जो रेस्ट में है वैसे चार्ज के बारे में पढ़ाता है, तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंडर में रखा जाता है। आगे देखिए लिखा हुआ है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स विल रब विथ ईच अदर, जब दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से रगड़ा जाता है, देन देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज विच इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जब दो ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है तो जो चार्ज का प्रोडक्शन होता है या चार्ज का जो ट्रांसफर होता है उसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में डिफाइंड किया जाता है। किताब में बहुत सारा एग्जाम्पल लिया हो गया है कि एबोनाइट रड को कैट स्किन से रब करना, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब चार्ज, चार्ज क्या होता है? चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड बाय अ मटेरियल ऑब्जेक्ट दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर देम टू एग्जर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड टू रिस्पॉन्स द इलेक्ट्रिकल फोर्स। चार्ज किसी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी होता है जो इलेक्ट्रिकल फोर्स एग्जर्ट करता है या इलेक्ट्रिकल फोर्स रिस्पॉन्स करता है। मैथमेटिकली चार्ज को क्यू इज इक्वल टू आई टी के फॉर्म में लिखा जाता है। क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी चार्ज को लिखा जाता है, जहाँ पे क्यू चार्ज होता है, आई करंट होता है और टी टाइम होता है। देखिए जैसे क्यू इज इक्वल टू आई टी लिखा है, मतलब करंट और टाइम के प्रोडक्ट को चार्ज कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम विल गिव्स द वैल्यू ऑफ चार्ज। करंट और टाइम को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसे चार्ज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है? चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। चार्ज को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है। द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलम। ये चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है। यहाँ पे एक रिलेशन लिखा हुआ है कि एक कूलम चार्ज बराबर 3×10⁻⁹ स्टेट कूलम होता है। ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में आते हैं। आगे क्या लिखा हुआ? 1E मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं, जिसका वैल्यू लिखा हुआ है -1.6×10⁻¹⁹ कूलम। 1P मतलब एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है +1.6×10⁻¹⁹ कूलम होता है। और 1N मतलब एक न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है। न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ लिखी हुई कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और चार्ज का डायमेंशन निकाला गया। ध्यान से देखिए, क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है। आई मतलब एम्पियर और टी मतलब सेकेंड, मतलब अगर डायमेंशन A1T1 लिखेंगे तो इट विल बी परफेक्ट फॉर चार्ज। चार्ज का डायमेंशन A1 और T1 होता है। क्या क्या पढ़ना है चार्ज में, क्या टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ना है, और कूलम्स लॉ पढ़ना है। ये सारे को चार्ज के प्रॉपर्टीज
के अंदर रखा जाता है। ये दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। कुछ एक दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि चार्ज के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के चार्ज होते हैं। बचपन से आप सुन रहे हैं कि चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप का चार्ज होता है। काइंड्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज दोनों एक ही चीज़ है, बस दो टाइप से कैटेगराइजेशन कर दिया हूँ मैं। एक है काइंड्स ऑफ चार्ज में लिखा हुआ है लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। देखिए लाइक चार्ज वैसे चार्ज होते हैं जो सिमिलर चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, तो इसको लाइक चार्ज कहेंगे। और लाइक चार्ज में एक बहुत बड़ी बात क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिमिलर चार्ज इज कॉल्ड लाइक चार्ज। बोलते हैं कि ये जो लाइक चार्ज होता है, ये लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपल करता है। ये वाला चार्ज इसको इधर ढकेलेगा और ये वाला इसको इधर ढकेलेगा। तो लाइक चार्ज मतलब टू सिमिलर चार्ज, एक जैसे दो चार्ज के कॉम्बिनेशन को लाइक चार्ज कहते हैं और लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ऑफ ईच अदर। अनलाइक चार्ज क्या होता है, देखिए अनलाइक चार्ज मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। टू डिससिमिलर चार्ज इज कॉल्ड अनलाइक चार्ज। दो अलग अलग चार्ज अगर होंगे तो उसके कॉम्बिनेशन को अनलाइक चार्ज बोलेंगे, और अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ऑफ ईच अदर। अनलाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये दो प्रॉपर्टी हुआ। तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करता है कि अगर एक चार्ज है तो उस चार्ज के चारों तरफ एक इमेजिनरी फील्ड होता है जो दिखता नहीं है, और ये जो इमेजिनरी फील्ड होता है अगर इसमें कोई दूसरा चार्ज आया तो ये दूसरा चार्ज आया तो ये आइदर ये इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। देखिए क्या लिखता है, अराउंड अ चार्ज देर इज़ एन इमेजिनरी फील्ड इन विच व्हेन एनी एक्स्ट्रा चार्ज विल टेक पार्ट देन That charge having a tendency to attract or repel to that extra charge. The imaginary field is called electric field. ये electric field के बारे में बात हो गया। अब ये charge का तीसरा property था, charge के चौथे property के बारे में बात करते हैं, additive property of charge। मान लीजिए ऐसा एक substance, एक object है जिसमें अलग अलग तरह के charges का combination है, plus 5 coulomb, minus 1 coulomb, minus 3 coulomb, प्लस 7 कूलम, प्लस 3 कूलम, माइनस 2 कूलम, प्लस 9 कूलम। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि अगर इस पूरे बॉडी का ओवरऑल चार्ज चाहिए तो क्या कीजिए कि पूरे को जोड़ दीजिए। अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्ज ऑफ सिस्टम इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल चार्ज। सारे इंडिविजुअल चार्ज को जब आप जोड़ देंगे तो जो नेट वैल्यू आएगा वो इसका एडिटिव प्रॉपर्टी का लगेगा। जैसे प्लस 5 कूलम है, माइनस 1 कूलम है, माइनस 3 कूलम है, प्लस 7 कूलम है, प्लस 3 कूलम है, माइनस 2 कूलम है और प्लस 9 कूलम को जब आप जोड़ेंगे तो 18 कूलम इसका नेट वैल्यू आएगा। दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इसको एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बोलते हैं। चार्ज के पाँचवें प्रॉपर्टी में आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। चार्ज को ना तोड़ा जा सकता है ना जोड़ा जा सकता है, बस इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। ये चार्ज का पाँचवा प्रॉपर्टी है। और चार्ज का जो लास्ट प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलता है कि ये जो बड़ा वाला चार्ज है ये बहुत सारा छोटा छोटा चार्ज से मिलकर बना हुआ है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है ये जो बड़ा चार्ज है ये बहुत सारे छोटे छोटे चार्ज से मिलकर बना होता है, और हर छोटे चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। बोलता है अ चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्या लिखा हुआ देखिए, अ चार्ज इज मेड विथ नंबर ऑफ स्मॉल चार्जेस एंड द वैल्यू ऑफ ईच स्मॉल चार्ज इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसको Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई लिखा जाता है। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई लिखा जाता है, जहाँ पे Q मतलब चार्ज ऑफ अ सिस्टम, E मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये E मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और N जो होता है वो इंटीजर होता है जिसका वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक लिखा जा सकता है। ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे ये न्यूमेरिकल्स कुछ कुछ हैं जो मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा।
तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। मैंने आपको 6 प्रॉपर्टी बता दिया, और इन 6 प्रॉपर्टीज़ में आपने क्या क्या पढ़ा कि कितने तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, लाइक अनलाइक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा, क्वांटाइजेशन पढ़ा, और ये कूलम्स लॉ आपने नहीं पढ़ा अभी तक। अगले वीडियो में मैं आपको कूलम्स लॉ के बारे में बताऊँगा। आपको एक छोटा सा सजेशन ये दूंगा कि वीडियो के साथ आप नोट्स भी बनाते चलें, आप वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें और नोट्स भी बनाते चलें।